हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम ऑरो फार्मा का फ्यूचर चार्ट स्टडी करने जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी हमारी इंट्राडे प्रोलाइट की रहेगी। किस प्रकार से इस स्ट्रैटेजी को लेके आपको एनालिसिस करना है, कैसे कॉल्स जनरेट होते हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जब कोई कॉल को एनालाइज करें आप, तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज शेयर करेंगे। सो जब बाई या सेल कॉल ये स्ट्रैटेजी आपको जनरेट करके देती है तो ग्रीन कलर का एरो बाई के लिए शो होके मिलेगा और जब रेड कलर का एरो आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये सेल कॉल स्ट्रैटेजी आपको बता रही है। तो जब बाई या सेल कॉल आए तो आपको क्या फर्स्ट चीज देखनी है ये मैं आपको बताता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो ये एंड ऑफ द कैंडल वर्क करती है स्ट्रैटेजी, मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। इस कारण ये स्ट्रैटेजी आपको नॉन रिपेंटिंग सिग्नल देंगी, कोई भी कॉल इसमें रिपेंट नहीं होते, सारे जो आते हैं वो परफेक्ट कॉल होते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कैंडल क्लोज होने का आपको वेट करना है। तो आप 15 मिनट्स का टाइम प्रेफर करोगे जब कोई इंट्राडे आपको कॉल को एनालाइज करना है, तो कैंडल क्लोज होते ही आपका कॉल कन्फर्म हो जाता है और कन्फर्मेशन होने के बाद जो भी उसके डिटेल्स है आपको एक मैसेज बॉक्स में शो करेगी कहाँ पे आपको उसको बाय करना है, क्या आपका टारगेट्स होने चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस आपने मेंटेन करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस मैसेज बॉक्स में शो होके मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएगा उसी डिटेल्स का, मतलब टारगेट्स, फिर स्टॉप लॉस हो या फिर आपका एंट्री हो, ठीक है। तो जब बाय कॉल आता है तो आपको फर्स्ट थिंग ये देखनी है कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स के परसेंटेज क्या है। ये एक एडवांस इंडिकेशन है, आपको पता लगेगा कि स्ट्रेंथ इस समय किसकी है, बायर्स की स्ट्रेंथ है या सेलर्स की स्ट्रेंथ है। इसके कारण आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि मार्केट किस साइड में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके अलावा आपका वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम का कलर आपके साथ होना चाहिए, यह है ग्रीन दिख रहा है आपको, तो ये बाय का स्ट्रांग इंडिकेशन आपको मिल चुका है कि यहाँ पे 87% बायर्स है, वॉल्यूम भी आपका साथ में है और ट्रेंड लाइन का कलर जो होता है ये आपका थर्ड इंडिकेटर है, तो ये भी आपके फेवर में है। तो तीनों इंडिकेशन आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस कॉल के बेस पे सेकेंड टारगेट तक का प्रेफरेंस रख सकते हो। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसी प्रकार के कॉल को आपको फॉलो करना है। तो ऑरोबिंदो फार्मा ये जो स्टॉक है इसको अगर आप एक लॉट परचेस करने का प्लान करो तो इन्वेस्टमेंट आपकी 1,80,000 तक की होनी चाहिए और इसका जो लॉट साइज है वो 1,000 रुपये का है, मतलब 1 रुपये का मूवमेंट होता है तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। तो अगर सेकेंड टारगेट आप प्रेफर करो तो 523.25 की आपकी एंट्री बनी और 537.7 का आपका सेकेंड टारगेट था, तो अप्रोक्सीमेटली आपको इसमें जो प्रॉफिट बना 4,500 रुपये का बना। तो आप मान के चल सकते हो कि 4,500 रुपये तक का आपका ये एक सिंगल कॉल के बेस पे प्रॉफिट बना, ये इंट्राडे का कॉल जो आज आया था करीब 11 बजे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है कोई भी कॉल को आप एनालाइज करो तब। सो इसी तरह के कॉल में आप ट्रेड करो तो सेकेंड टारगेट तक की एक्यूरेसी आपको ये सॉफ्टवेयर दे देगा। सो ये थी सारी डिटेल्स प्रोलाइट इंडिकेटर को लेके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू, बाय।